हमीरपुर में प्लाट लेने से पहले सावधान, प्लाट के नाम पर गिरोह दे रहा ठगी को अंजाम, अब पैसों के लिए चक्कर लगा रहा पीड़ित। महेंद्र मंत्री ने उठाया ठग गैंग का पर्दाफाश करने का जिम्मा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में जमीन के नाम पर खेल होने की खबर सबने देखी होगी, लेकिन अब हमीरपुर जैसे जनपद में भी ऐसी गैंग एक्टिव हो गई है जो लोगों को प्लाट दिखाती है, पैसे लेती है और फिर ना प्लाट देती है ना ही पैसे। गैंग के चक्कर में फंसे तमाम पीड़ित अब इंसाफ के लिए पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो पैसे मिल पा रहे हैं ना जमीन। फिलहाल अपना दल एस जिला अध्यक्ष महेंद्र मंत्री ने गैंग का पर्दाफाश कर पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का जिम्मा उठा लिया है। महेंद्र मंत्री पीड़ित जगत सिंह को लेकर डीआईजी से मिलने पहुंचे, जहां जल्द ही गैंग पर एक्शन लेने का आश्वासन दिया गया। क्या नाम है आपका? मैं महेंद्र कुमार राजपूत, जिला अध्यक्ष अपना दल एस हमीरपुर। कहाँ से आए आप? हमीरपुर से। कहाँ पर आए हैं अभी आप? हम लोग डीआईजी साहब के यहाँ आए हैं। हमारे जनपद में राठ मुख्यालय पर एक संगठित गिरोह चल रहा है जो लोगों को जमीनों के नाम पर ठगी करता है। कौन लोग हैं ये? ये लोग अप्रोच के साथ कई लोग हैं, करीब 8-10 लोगों का गिरोह है जो लोगों को प्लाट दिखा के उससे एक मोटी रकम वसूल करते हैं और उनको बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जी रसीदों के नाम पर टोकन मनी ये ले लेते हैं हस्ताक्षर करके, और जब प्लाट देने की बारी आती है तो ये लोग उनको प्लाट नहीं देते हैं, दूसरी जगह दिखाने लगते हैं। इस तरह से ये जगत सिंह है, मेरी पार्टी के सदस्य जगत सिंह राजपूत, इसके साथ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी, 2 लाख की रसीदें दे दी। इसके बाद जब रजिस्ट्री के लिए ये लोग गए तो स्टाम्प से लिखा पड़ी हो गई, पार्टी ने हस्ताक्षर कर दिया, बाद में कह दिया कि नेट नहीं आ रहे, कल रजिस्ट्री हो जाएगी। कल के बाद वो कल कभी नहीं आया। ये 2 साल से आदमी चक्कर काट रहा है। जब इसने अपर एसपी साहब के यहाँ शिकायत की कि इस पे मुकदमा पंजीकृत कराया जाए, तो ना ही पुलिस ने अभी तक मुकदमा लिखा, बल्कि उल्टा इस पे दबाव बना के इससे राजीनामा पे दस्तखत करा के ये कह दिया कि आपका 3.5 लाख रुपया और स्टाम्प ये आपको 24 तारीख को देंगे। 24 तारीख को जब ये वहाँ पे पहुँचे तो ना इनकी शिकायत सुनी गई, ना एसआई साहब बोले, वो लोग मिल नहीं रहे और पुलिस ने पूरा मामले को दफा दफा कर दिया, ना ही इनके पैसे दिलाए और इन पे उल्टा दबाव बना रहे। इसलिए हम लोग डीआईजी साहब के आगे आए थे कि इन पे कार्रवाई कराई जाए या इनका पैसा दिलाया जाए और ऐसे ठगी करने वाले 420 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करेंगे, उन्हें जेल भेजा जाए। डीआईजी साहब से आप मिले? डीआईजी साहब की आज तबीयत अस्वस्थ है, लेकिन टीआरओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा है कि कल इनका आदेश करा देंगे। आपको बता दें कि जगत सिंह का कहना है कि वे शिक्षक हैं, वह अप्रोच के संपर्क में आए तो उसने और उसकी गैंग ने प्लॉट दिखाया, पैसे लेकर रसीद काटी, लेकिन बाद में ना बैनामा किया ना पैसे वापिस किए। क्या नाम है? जगत सिंह। कहाँ से आए आप? राठ से। कहाँ पर? साहब के पास आए हैं। कौन से साहब के पास? डीआईजी साहब के साथ। जी, किस घटना को लेकर आए, क्या समस्या आपकी? समस्या हमसे प्लाटिंग वालों ने पैसा ले लिए, ना रजिस्ट्री करते हैं। हमने राज कोतवाली में भी शिकायत की, राज कोतवाली वालों ने राजीनामा भी करा दिया 24 तारीख को, ना पैसा दे रहा है ना कभी वो धमकी दे। कब की ये घटना है? ये 24 तारीख कह रहे थे, 24 के दिला देंगे पैसे। नहीं, कब ये घटना हुई थी आपके साथ? कब से ये लोग टहला रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से घुमा रहे हैं? हाँ, 2 साल। क्यों घुमा रहे हैं ये? ये कह रहे हैं हो जाएगा, जे कछु नहीं देंगे, कर लेना जे कछु करना हो। तो आपने कहाँ कहाँ इनकी शिकायत की है? हमने कप्तान साहब के लिए दी, वहाँ से आपको क्या क्या आश्वासन मिला? कप्तान साहब ने राठ पे जेल लाने कर दिया था आदेश, राठ गए तो राठ में क्या कह दिया कोतवाल साहब ने, चलो हम बुला रहे हैं, बुला के बुलाया पार्टी को, राजीनामा कराया, राजीनामा करा के बाद कह रहे 24 के पैसे दिलवा देंगे, ना 24 के पैसे मिले हैं और सब ऐसे चरकाते मानने की नाम की। उसी समस्या को लेकर अभी आप कहाँ हैं? डीआईजी के पास। डीआईजी साहब के पास? क्या यहाँ से आश्वासन मिला आपको? डीआईजी साहब तबीयत गड़बड़ है तो डीआईजी नहीं मिले हैं, उनके आरए मिले, उनको दे दिए, उनने कही हम देख रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम राजीनामा, हमारे प्लाट मिल जाए नहीं तो पैसा मिल जाए। और जब वह पुलिस के पास पहुंचे तो समझौते का दबाव बनाया जाने लगा। फिलहाल मामले में अपना दल एस जिला अध्यक्ष महेंद्र मंत्री की एंट्री से प्रशासन में हड़कंप मचा है। महेंद्र मंत्री ने भी ऐलान कर दिया है कि जल्द ही ऐसी गैंग पर कार्रवाई नहीं हुई तो डीजीपी तक बात पहुंचेगी, जिसके बाद आरोपियों पर बुलडोजर भी चलेगा।
हमीरपुर से प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।